गाइस आज हमारे टीम में एक और नया मेंबर आ चुका है, ये क्लॉकमैन। इसके वेलकम के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टी लगाया शहर से बाहर, ताकि आज हमें कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। स्पीकरमैन को हम लोगों ने बुलाया था लेकिन स्पीकरमैन नहीं आया, तो कैमरामैन और मैं आ चुका हूँ इसको वेलकम के लिए। क्या क्लॉकमैन, क्या तू तैयार है खाने के लिए? अरे कब से मैं खड़ा ही तो हूँ, तुम लोगों ने अभी तक खाने के लिए पूछा नहीं था। अरे कोई बात नहीं यार, तेरा खाना कहीं पर भी नहीं जा रहा, इधर हमें डिस्टर्ब करने कोई भी नहीं आएगा। अरे यार फिर से वही साउंड। अरे भाई साहब इसकी ऐसी की तैसी, अब पता नहीं इस बार किसने अटैक किया है। अरे भाई तो जीमेन है, इसकी साइज तो देखो कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन जीमेन के बच्चे ने हमें ढूंढा कैसे? ईबी मैन, ए देख मेरा नया लुक, मैंने खुद को कार्स एनर्जी से अपग्रेड किया है, और तुम लोगों को ढूंढना के इतना मुश्किल था, मुझे स्पीकर मैन ने तुम लोगों की लोकेशन बता दिया है। अबे स्पीकर मैन की ऐसी की तैसी, उसको मैंने बोला था हम लोगों के साथ चल पार्टी में, लेकिन उसने आया नहीं, ऊपर से उसने जीमेन को बता दिया है। लेकिन एक से रुक जाओ, स्पीकर मैन तो ऐसा कर नहीं सकता। स्पीकर मैन ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि मैंने स्पीकर मैन को भी कार्स एनर्जी से अपग्रेड कर दिया, अभी वो मेरा होकर पूरी सिटी में तबाही मचा रहा है। स्किबिडी टॉयलेट जिंदाबाद। ये पता नहीं किस किस एनर्जी से खुद को अपग्रेड कर जा रहा है, अभी उड़ के निकल भी गया और स्पीकर मैन को इतना जायंट बना दिया है। लेकिन एक से रुक जाओ, क्लॉक मैन और कैमरा मैन ये लोग तो अभी तक बेहोश होकर पड़ा है। ओए हेलो, तुम लोग उठ जाओ, इसके वेलकम पार्टी भी सही से नहीं हुआ। अरे मुझे क्या, इतना बड़ा जायंट की भी लड़ने के लिए बनाया गया, इनको देख के मेरा हवा टाइट हो चुका है। अरे यार क्लॉकमैन तो पहले से डर चुका है, हम लोगों ने कितने बार जीमन को हराया तुझे पता नहीं है। खैर कैमरामैन अभी तू बता हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे और क्या ही कर सकते है, तुझे भी खुद को कार्स एनर्जी से अपग्रेड करना होगा। ऑल राइट ठीक है, मैं समझ गया, तू इस क्लॉकमैन को हॉस्पिटल लेके जा और मैं देखता हूँ कैसे मैं खुद को कार्स एनर्जी से अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं आ चुका हूँ सिटी के बीचों बीच, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कार्स पावर से कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। कार्स मतलब श्रापित वाली पावर, अब मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे कार्स मिले? अरे यार ओके एक सेकंड रुक जाओ, ये तो प्रोजेक्टर मैंने ये इधर करके रहा है। ओए हेलो, क्या तुझे पता है कैसे मैं खुद को कार्स पावर से अपग्रेड कर सकता हूँ? तू खुद को कार्स पावर से अपग्रेड करना चाहता है, ठीक है मैं तुझे कार्स टीवी दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुझे मेरे प्रोजेक्टर को लाना होगा जिसको एक स्किबिडी लेके भाग रहा है। ऑल राइट, इसका मतलब कार्स टीवी से मैं खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। चलो फटाफट, इधर एक साइकिल रखा हुआ है, इसी साइकिल को लेकर मैं चलता हूँ, लेट्स गो। स्किबिडी के बच्चे इधर ही भाग के जा रहे हैं। ऑल राइट मैंने इसको पकड़ लिया है, देख लो सामने कितने तेज से साइकिल चला रहा है, बट तुझसे तेज से मैं चला सकता हूँ। ऑल राइट बस मुझे किसी तरह इसको पकड़ना होगा, मुझे कार्स टीवी चाहिए ही चाहिए। अब इसके ऐसे की तैसी, तू प्रोजेक्टर मैन के प्रोजेक्टर लेकर करेगा क्या? कमान कमान, मैं इसके पास ही पहुँच चुका हूँ, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? अरे भाई इसको तो मारने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ये तो खुद ही ठुक चुका है ट्रक में, लेकिन घुमाते घुमाते फिर से निकल गया। भाई साहब कितनी तेज से साइकिल भगा रहा है, स्किबिडी के बच्चे रुक जा, कमान 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 ए ले। ऑल राइट फाइनली मैंने इसको लात मार के गिरा दिया है। स्किबिडी के बच्चे क्या ही तेज से भाग रहा था, आ जा इस तरफ, तेरी ऐसी तैसी देखा। अरे मैं तो प्रोजेक्टर मैन की प्रोजेक्टर लेके भाग रहा था, तू बीच में कहां से आ गया, अभी तू मेरे हाथों मरेगा। अरे भाई साहब ये तो सच में मुझे मारने लग गया, अरे यार अपनी टीवी तोड़ दे गई, ये पहले इसकी बॉस जीमे ने मारा, अभी ये मुझे मार रहा है। अबे रुक जा यार, ये तो कुछ ज्यादा ही मारा चाह रहा है, मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे पास भी पावर है। अरे नहीं यार उठने भी नहीं दे रहा। गाइस मुझे लगता है इसको हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो फटाफट लाइक करो नहीं तो मुझे मार डालेगा। अबे यार रुक जा, तू तेरा बहुत हो गया, इतना ज्यादा कौन मारता है, बस मैंने तुझे एक ही तो लात मारा था, तेरी ऐसी तैसी ए ले तू। ऑल राइट इसको भी मैंने क्या ही मुक्का मारा है, भागता कहां पर है, भाग नहीं सकता तू, ए ले। ऑल राइट क्या ही मार रहा हूं, मर जा एक खा, और ए ले क्या ही मारा, मार मार के मैंने इसको फेंक दिया है। क्या हार गया? अरे हाँ सच में हार चुका है। खैर जो भी हो, इसकी तो अपने बैंड बजा दिया है, अभी मैं प्रोजेक्टर मैन की प्रोजेक्टर को लेके चलता हूँ। सच में इसने साइकिल में रखा था प्रोजेक्टर, देख रहे हो इसके नया वाला प्रोजेक्टर था, लेट्स गो अभी फटाफट पहुँचते प्रोजेक्टर मैन के पास। ओए प्रोजेक्टर मैन ए ले तेरे प्रोजेक्टर, इसको मैं लेके आ चुका हूँ, तू जल्दी से मुझे देख कार्स टीवी। अरे शुक्रिया टीवी मैन, तूने मेरा नया प्रोजेक्टर ला दिया है, अभी मैं खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ, और ए ले तू कार्स टीवी। प्रोजेक्टर मैन तो इसकी साइकिल लेके जा रहा है और इसने सच में मुझे कार्स टीवी दे दिया है। चलो इस वाले टीवी को अपन लेते हैं, देखते क्या होता है अपने साथ। भाई साहब एक टीवी से अपन कितना ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं, अपनी बॉडी देख रहे हो धीरे धीरे कार्स एनर्जी से फुल हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पावर है क्या? चलो मैं किस पे पावर को टेस्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं मेरी पावर को टेस्ट करता हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं? और भाई साहब इसको तो उड़ा ही दिया ऐसे, सच में मेरे पावर क्या ही खतरनाक बढ़ रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कार्स फॉर्म में इतना ज्यादा पावर होता है, मैं कितनी तेजी से भाग भी सकता हूँ। लेकिन एक से रुक जाओ,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इधर कोई बच्चा रो रहा है? अरे यार इधर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर इधर कौन रो रहा है? चलो मैं देखता हूँ सामने की तरफ। ओके इधर कोई है अंदर, लेट्स गो। है कौन? अरे एक सेकंड रुक जाओ, ये तो कैमरामैन की बेटा है, ये इधर रो क्यों रहा है? ओए बच्चे तू रो क्यों रहा है? मैं और स्पीकरमैन की बेटा इधर खेलने के लिए आए थे, लेकिन कुछ स्किबिडी ट्रोलर ने स्पीकरमैन के बेटे को पकड़ के लेके गया। मैं बस इधर किसी तरह बच गया था। खैर अभी मैं सोच रहा हूँ मैं स्पीकरमैन अंकल को क्या जवाब दूंगा। अरे तुम लोगों को खेलने को जगह नहीं मिला, ऐसे शहर के बाहर आके खेल रहे हो। खैर जो भी हो, उन स्किबिडी ट्रोलर ने उसको लेके कहां पर गया है? उन लोगों ने उसको पकड़ कर उस लैब की तरफ गया था। ठीक है मैं समझ गया, तू इधर ही छुपा रहकर, मैं उसको छुड़ा के लाता हूँ। लेट्स गो, स्किबिडी ट्रोलर तो हर जगह पहुंच रहा है। फटाफट अपन चलते उस लैब के पास। ए रहा लैब, मेरे जाम करने की ताकत भी इतना बढ़ चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं इसे सामने से जा नहीं सकता। स्किबिडी ट्रोलर ने स्पीकरमैन के बेटे को पकड़ के रखा है, तो मैं अगर सीधा गया वो लोग उसको मार सकता है। चलो मैं पीछे से घूम के चलता हूँ। अपन आ चुके हैं पानी के अंदर, मुझे पता है इस लैब के अंदर पीछे से एक टनल जा रहा है, सो मैं पीछे से उस टनल के अंदर से चलूंगा। और भाई साहब इस टनल के पास तो बहुत सारे शार्क है, शार्क के बच्चे अगर मेरे पास आया तो मैं तुम लोगों को चाकू से मार दूंगा। खैर मेरे पास एक चाकू तो है, इनकी ऐसी की तैसी, वैसे शार्क कुछ नहीं बोल रहा, तो चलो इनको मारने की जरूरत नहीं है। आ चुका हूँ इस टनल के पास। अरे ये की टनल तो बंद है, तो मैं अंदर कैसे जाऊँ? चलो मैं मेरी कार पावर को यूज करता हूँ। लेट्स गो, देख रहे हो अपन अंदर ऐसे ही आ चुके। सच में मानना पड़ेगा मेरे कार पावर में काफी ज्यादा पावर है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं चीजों के आर पार जा सकता हूँ। खैर जो भी हो, अभी मैं अंडर वाटर टनल से पहुंचता हूँ लैब के अंदर। खैर कोई बात नहीं, अपन आ चुके बाहर। और एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर एक स्क्विडी टॉयलेट भी है, पर इसको पता नहीं चलेगा। अपन आ चुके उसके पीछे से, इसकी तो ऐसी की तैसी। ए ले तू, एक चाटा से इसके अपने बाट लगा दिया है। अभी चलो देखते स्पीकरमैन की बेटा है कहाँ पर। ऑल राइट मैं आ चुका ऊपर की फ्लोर पर। अरे भाई ये क्या, सामने स्पीकरमैन का बेटा है, ये चल क्या रहा है? अरे साइंटिस्ट जल्दी से कुछ करो ताकि स्पीकरमैन के बेटा हमारे होकर फाइट करे। भाई साहब स्किबिडी के प्लान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तो अच्छा इसने मुझे अभी तक देखा नहीं है। चलो मैं पीछे से चलता हूँ। स्पीकरमैन को बेटे को अपने सेट करेगा, तेरी ऐसी की तैसी। उस बल स्किबिडी को मार के मुझे गन मिल गया था, बस मुझे डायरेक्टली इनको मारना होगा। अभी एक साइंटिस्ट स्पीकरमैन के बेटे के साथ कुछ कर रहा है, इसकी तो आ चुका हूँ मैं। कमान एले तू बले और तू भी खा। स्किबिडी के बच्चे तो उठ के खड़ा हो गया था, बट कोई नहीं, इसको भी अपन ने मार दिया है। अभी देखते स्पीकरमैन की बेटा ठीक है कि नहीं। भाई बच्चे उठ जा, हेलो बच्चे उठ जा, ये तो उठ ही नहीं रहा। चलो मैं इधर गोली मार के देखता हूँ शायद उठ जाए। अरे मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं तो कैमरामैन की बेटे के साथ खेल रहा था। अरे टीबी अंकल आप कहाँ से आ गए? ओके शायद इसको कुछ भी याद नहीं है। खैर बच्चे क्या तू मेरे साथ तैर के चल सकता है? तो पर मैं जैसे टनल से आया था उधर से निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं मैं तैर नहीं सकता, मुझे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अरे यार ये कैसा मुसीबत है। ठीक है बच्चे तू चल मेरे पीछे पीछे, हम लोग सामने से निकलेंगे। लेट्स गो, अभी तक मुझे सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कमान कोई है तो उड़ा दूंगा। अरे एक सेकंड रुक जाओ, इधर तीन तीन कार्स टीवी रखा हुआ है, ये तो अच्छा मैं लैब के अंदर आ गया था। चल बच्चे तू इधर वेट कर, मैं जल्दी से खुद को अपग्रेड करता हूँ, देखते तीन टीवी से क्या होता है। अरे भाई साहब ये मैं क्या बन चुका हूँ, मेरे हेड देख रहे हो, 5 टीबी आ चुका है मेरे हेड में, लेकिन मेरा लुक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सबको यूं ही उड़ा सकता हूँ। सामने मुझे एक स्किबिडी के बच्चे दिखाई दे रहा है। कमान एले तू, आग के झटके से उड़ा दिया इसको, देख रहे हो मेरी ताकत कितना ज्यादा बढ़ चुका है, और इनको मारने से अलार्म भी बच चुका है। अबे तेरी तो, एले तू इसको भी उड़ा दिया, क्या ही ताकतवर बन चुका हूँ मैं। अरे यार इधर तो कितने सारे स्किबिडी है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते है, सबको यूं ही उड़ा रहा है अपन। ऑल राइट सामने पास और दो तीन ही बच रहा है, कमान एलो, कोई भी नहीं बच सकता, सबका अपने उड़ा दिया है। अभी फटाफट इधर से निकलते हैं, चल 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 भाग दे इधर से, पता नहीं इस लैब के अंदर और कितने स्किबिडी होगा, पीछे से कोई मार भी चाह रहा है। खैर कोई बात नहीं, और अपन फाइट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं इसको लेके चलता हूँ कैमरामैन के बेटे के पास। ओए तुम दोनों अभी चुपचाप घर चले जाओ, और मैं इधर से निकलता हूँ। अब मेरे वजह से इधर चारों तरफ आग लग रहा है। खैर जो भी हो निकल इधर से, कब से मैं इधर उधर उड़े जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी कर्स टीवी नहीं मिला। अरे यार अभी इस टाइम में किसी ने कॉल किया है, चलो देखते किसी ने कॉल किया है। ओके तो कैमरामैन है, अभी इसको क्या चाहिए? अरे टीबी मैन क्या तूने कुछ किया है? क्योंकि पेलिटोबे में एक कर्स मॉन्स्टर पूरी तबाही मचा रहा है। और एक बात, क्या तूने मेरे बेटे को देखा है? वो अभी तक घर नहीं लौटा। क्या पेलिटोबे में कर्स मॉन्स्टर घूम रहा है और मुझे पता तक नहीं चला? कैमरामैन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बेटे को ढूंढ लूंगा और उस मॉन्स्टर को भी देख लूंगा। चलो चलते हैं अपन, लेट्स गो। कर्स मॉन्स्टर है, इसका मतलब उसको मारने से मुझे कर्स टीवी भी मिल सकता है। ओके मैं आ चुका हूँ पीछे वाली सिटी में, अभी तक तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई जब सच में उधर एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। अब इस मॉन्स्टर की ऐसी की तैसी, सारे गाड़ियों को कबड़ा कर दिया इसने,
शायद लगता है इसको दिक्कत क्या है, क्यों इसने ऐसा तबाही मचाए। ऑलराइट, सच में इस मॉर्शा के पास काफी खतरनाक वाली कार्स एनर्जी है। ओए मॉर्शा, तूने ऐसा तबाही मचाए है, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू मुझे सबक सिखाएगा? अभी मैं किसी से नहीं डरता। जी मैन ने मुझे कार्स एनर्जी दिया है और बोला है चारों तरफ तबाही मचाने के लिए। तुझे भी मारकर मैं तबाही मचाऊंगा। और भाई साहब, सच में तो मुझे मानने लग गया है। अरे यार, जी मैन ने इसको तो कुछ ज्यादा ही पावर दे दिया, ये तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अरे मेरे सामने कैसे आ गया? तेरी ऐसी तैसी, आजा आजा आजा, क्या कर रहा है? अरे क्या ही मारा जा रहा है, ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है और मेरी मदद के लिए इधर कोई है भी नहीं। तेरी तो एले तू, मेरे ताकत भी कम नहीं है, इसको भी मैंने मार के फेंक दिया है। ओके टीबी मैंने आ चुका है इसको मारने के लिए। ऑल राइट, ये तो अच्छी बात है, क्या ही मार रहा है इसको। कमॉन कमॉन, उसको भागने मत दे। अरे मैं तो अंदर नहीं जा पा रहा। अरे भाई, इसने क्या ही मारा है, टीबी मैंने को एक लात से हरा दिया है। अब तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसके साथ खेल। रुक जाइए ले, और ये का तब से हमें मार जा रहा है। भाई ये क्या ही मार रहा है, जितना मैं मार लूं ये तो मरता ही नहीं है। ये ले, अब तो हर जा यार, कितना मार खाएगा। एक का तो मेरी आगे झटका, क्या ही जला रहा हूं मैं इसको। अपन को क्या ही मारा था, क्या जो भी हो शायद हार चुका है। अरे हाँ, और इसकी बॉडी से 5 TB निकल गया। लेट्स गो, अभी अपन फटाफट से 5 TB को लेते हैं, देखते हैं इससे मेरे पावर कितना ज्यादा बढ़ता है। ऑल राइट, 5 TB से तो अपन थोड़ा सा और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके शायद। यस, अपन फिर से तेजी से भाग रहे हैं और इस बार मेरे टक्कर से गाड़ियां भी फिक्की जा रहा है, और इस बार मैं ऐसे ही उड़ सकता हूँ, मुझे आग छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, देख रहे हो। खैर अभी चलो देखते हैं कैमरामैन के बेटा गया कहाँ पर, उनको मैंने बोला था घर जाने के लिए, पता नहीं वो बच्चे कहाँ पर चला गया। अभी मैं उनको ढूंढूंगा कहाँ पर। अरे एक से रुक जाओ, मैं उनको देख सकता हूँ उधर। ऑल राइट, ए रहा दोनों, ये लोग इधर क्या कर रहा है? अरे भाई, मैं तो इनके आर पार देख सकता हूँ, मेरे पास एक कौन सी विजन आ चुका है। चलो अभी ठीक है, ये दोनों मिलिट्री बेस के अंदर क्या कर रहे थे पता नहीं। अरे टीबी अंकल, हम दोनों आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे कर्स टीबी को ढूंढ लिया है। इस मिलिट्री बेस के नीचे एक सीक्रेट बेस है, उधर बहुत सारे कर्स टीबी है, लेकिन सामने बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट गार्ड दे रहा है। ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम लोग सीधा जाओ घर। चलो यार, अभी मैं समझ गया, इधर से जीमेन पूरी तरह से पावर लिया है, 100 से भी ज्यादा कर्स टीबी, उससे पता नहीं मेरे साथ होगा क्या, लेकिन सबसे पहले मुझे उधर पहुंचना होगा। भाई सब, जीमेन भी है इधर, लेकिन अभी जीमेन के साथ पंगा लेना सही नहीं होगा, अगर उसने मुझे देख लिया मुझे इधर ही मार डालेगा और मैं कभी भी स्पीकरमैन को ठीक नहीं कर पाऊंगा। अरे इधर भी काफी सारे स्किबिडी टॉयलेट घूम रहा है, लेकिन मेरे हाथ में शायद किस तरह का हुक लगा हुआ है। चलो मैं चलता हूँ उधर, लेट्स गो, आ चुका हूँ, कम ऑन, कोई भी मुझे देख नहीं सकता। अरे अरे तो इधर घूम गया है, कैसे ने मुझे देखा है? नहीं 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 देखा। चलो जा रहा है, शायद इसको लगा होगा कोई इधर आ रहा है, बट कोई नहीं, अपन आ चुके इधर। अरे सामने से आ रहा है, तेरी तो एक का, इसको तो उड़ा दिया। अरे तू कहाँ पर भाग रहा है, तू भी ले, देख के भागेगा मुझे। चलो इनको तो उड़ा दिया, अभी और मेरे पीछे कोई है? नहीं 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 अभी कोई नहीं देख सकता। जी मैंने इधर ही मुंह करके रखा है, पर अभी तक उसने मुझे देखा नहीं है। वैसे मैं नीचे झुक झुक के चल रहा हूँ तो उसको पता भी नहीं चलेगा। ऑल राइट, अपन आ चुके इस कंटेनर के पीछे। अरे तो इस तरह भी बढ़ रहा है, क्या उसने मुझे देखा है सच में? नहीं 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 देखा, देख रहे हो उस तरह भी घूम चुका है, उसको लगा होगा कोई जा रहा है इधर, पर मुझे देख नहीं पाया। तो चलो मैं ऊपर से चलता हूँ। ऑल राइट, अपन आ चुके छत के ऊपर, अपन आ चुके इस ब्लू वायरस की छत में, अब तो मुझे रोक ही नहीं सकता। लेट्स गो, मैं इधर की कांच को तोड़ के चलता हूँ अंदर, कम ऑन। ऑल राइट, मैं आ चुका अंदर, लेकिन इधर कोई स्किबिडी है क्या? मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। ओके उधर एक है, अरे भाई तो मेरे सामने ही था। खैर कोई नहीं, इसको मैंने उड़ा दिया है। अब फटाफट से चलते हैं अंदर, उधर भी जा रहा है, पर उसको देखने से पहले मैं अंदर चला जाऊंगा। मैं आ चुका हूँ मिलिट्री बेस के नीचे टनल के अंदर, लेकिन इस तरफ काफी सारी चीजें तो रखा हुआ है, पर टीबी है कहाँ पर? अरे भाई ये देखो, कैमरामैन के बेटा तो सच बोल रहा था, इधर तो बहुत सारे कार्स टीबी रखा हुआ है। लेट्स गो, अब मैं फटाफट से सारे के सारे टीबी को लेता हूँ। अरे भाई सब, ये क्या है, अपन इतना ज्यादा बड़ा बन गए, वायरस के बाहर ही आ चुके हैं, अब जिमेन के बच्चे तू क्या करेगा? तेरी ये लग दू। चलो एक चाटे में मैंने इसको हरा दिया है, और ये उठ के खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मतलब सारे के सारे टीबी को मैंने एक साथ ले लिया है। खैर अभी अपन चलते सीढ़ी के अंदर, मुझे जल्दी से स्पीकरमैन को भी रोकना होगा। लेट्स गो, चलो अपन आ चुके सीढ़ी के अंदर, लेकिन स्पीकरमैन मुझे सीढ़ी की इस तरफ दिख नहीं रहा, पता नहीं वो कौन सी तरफ चला गया है। अबे स्पीकरमैन रुक जा मेरे दोस्त, पता नहीं वो गया किस तरफ है, कहां पर? अरे भाई साहब, किसी ने मुझे पीछे से मिसाइल मारा है, ये हो क्या रहा है? ओके ये रहा स्पीकरमैन, इसने मुझे ढूंढ लिया है। अरे भाई क्या ही मार जा रहा है, स्पीकरमैन रुक जा, मैं तेरे दोस्त हूँ, ये तो मान ही नहीं रहा, उठा के फेंक दिया मुझे। अबे यार इसकी तो, कम ऑन हार जा,
अरे बार बार मुझे उठा के फेंक कैसे रहा है, पता नहीं यार क्या चल रहा है। अरे भाई इसने क्या ही एक्सप्रेशन किया है, मुझे भी मार जा रहा है ये। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुका। अरे नहीं, उड़ते उड़ते मुझे मार दे इसने। तेरी ऐसी की तैसे, रुक जा एक सेकेंड। कम ऑन एक का और ये ले, इतना ज्यादा मार रहे। ओके फाइनली हार चुका है। चलो आखिरकार अपने स्पीकरमैन को हरा दिया है, अब ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब भी अपन इधर से निकलते हैं। और आज अपने खुद को कार से जैसे अपडेट कर लिया है, अपनी लुक बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली चीजें अपनी वीडियोस लाएंगे। एंड अपने कमेंट में जरूर बताओ हम लोग और किसको कार्स एनर्जी से अपग्रेड कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।